डिस अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स एंड मैयरमेंट वन जब हम बात करते हैं डिस्गइज्लॉयमेंट की तो इसकी मेयरमेंट के लिए हम इसको मैयर कर सकते हैं अंडर डायनामिकसायज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लेबर इम्प्लॉयड एंड द लेबर रिक्वायर्डर स्मॉल चेंजिस इन टेक्निकोडक्शन जब आप चेंज इन टेक्निकोडक्शन की बात करोगे तो इट आल्सो इंक्लूड्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर डे In fact, dynamic surplus has been analyzed by a number of investigators, but these investigators did, did not identify the, any causes of the existence of the dynamic surplus. And at the same time, they did not formulate any assumptions under which they are measuring the labor required to carry out this particular production. So, there is a difference in the extent and existence of dynamic surplus estimates across investigators.

और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने लेबल किया हुआ है कि एज सबसिस्टेंस वेज दैट प्रिवेल्स इन दी मार्केट और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जिसको लेबल किया गया है एज द मार्जिनल प्रोडक्ट और अब अगर इस डायग्राम के रेफरेंस में हम अज्यूम करें कि लेबर विल बी एम्प्लॉयड अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो देन लेबर अप टू L2 लेबर टाइम्स इन आवर्स विल बी यूज्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन

अगर यहां पे फर्म प्रोडक्शन करे बाय यूजिंग डब्ल्यू नंबर ऑफ वर्कर्स तो यहां पे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू टू वन लेवल ऑफ द आउटपुट और बाय डिवाइडिंग लेबर टाइम इन आवर्स विद वर्कर्स वी कैन गेट द वर्किंग डे टाइम हाउ मच टाइम इज स्पेंड ऑन पर डे बाई अ वर्कर लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि इट माइट बी पॉसिबल द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कैरिड आउट बाई यूजिंग डब्ल्यू वन नंबर ऑफ वर्कर्स तो जब हम मूव करेंगे फ्रॉम W टू W1 वन टू कैरी आउट द सेम प्रोडक्शन तो यहां पे हम जो ये जो डिफरेंस आ रहा है इन द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट नंबर ऑफ वर्कर्स बेसिकली द सरप्लस दैट एग्जिस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटपुट और ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहेंगे दिस इज कार्ड एज डायनामिक सरप्लस और इस डायनेमिक सरप्लस की डिटर्मिनेशन में जो मेजर फैक्टर है दैट इज द लेबर वर्किंग डे के जी अगर इफ देर इज इंक्रीज इन लेबर वर्किंग डे इफ देर इज इंक्रीज इन देंथ ऑफ वर्किंग डे देन अनएम्प्लॉयमेंट जो भी आपके पास यहां पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगी इट विल इंक्रीज एंड इफ देयर इज स्मॉलर वर्किंग डे तो आपकी जो डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी द इट विल डिक्रीजेज यहां पे इफ ट्यू वन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय यूजिंग यूजिंग डब्ल्यू वन वर्कर्स दिस डिफरेंस एम्प्लॉयमेंट इस चीज को हम यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय यूजिंग टेन वर्कर्स और वो जो टेन वर्कर्स है दे आर डूइंग वर्क फाइव आवर्स पर डे लेकिन अगर आप यहां पे हम उसी वर्किंग आवर उस टाइम को इंक्रीज कर दें वर्किंग डे लेंथ को अप टू टेन आवर्स तो अब द सेम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग फाइव वर्कर्स तो यहां पे जो आपके पास डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट होगी इस केस में दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू फाइव वर्कर्स अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इन द डिटरमिनेशन ऑफ द डायनेमिक सरप्लस दैट इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल वर्किंग डे

is equal to marginal disutility of work. And here we denote utility with u and disutility is denoted by, by v. And du over dl depicts the marginal utility of income from work while dv over dl denotes the marginal disutility of work. And this marginal utility of income from work can be expressed at du over dl is equal to dU over dY into dY over dL. The marginal utility of income from work is equal to marginal utility of income and marginal product of labor. dU over dY denotes the marginal util utility of income while dY over dL denotes the marginal product of labor.